केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के भागलपुर से शुक्रवार को अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। यात्रा के पहले चरण में वे मुस्लिम बहुल्य सीमांचल क्षेत्र की कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। वे गुरुवार शाम को ही भागलपुर पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू, आरजेडी समेत हर पार्टियों और संगठनों से जुड़े हिंदुओं से अपनी यात्रा में शामिल होने की अपील की। गिरिराज की इस यात्रा से सीमांचल का सियासी पारा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो गिरिराज सिंह को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन एवं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से उनकी पार्टी बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि यह उनकी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के कई नेताओं ने इस यात्रा का विरोध करते हुए सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की आशंका जताई। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह बीजेपी या जेडीयू या किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, वह हिंदू बनकर जा रही हैं। इसके लिए वे हिंदुओं को जागृत करके एकजुट करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून है यह यात्रा निकल कर रहेगी। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर उनके सहयोगी दल तो विरोध जता ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सीमांचल क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उनके लाश से होकर गिरिराज सिंह को गुजरना होगा। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।